हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया लेटस डू द क्लास थर्ड इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव एंड द टॉपिक इज ग्रामर लेट्स सॉल्व द वर्कशीट बच्चों देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है पर्सन के बारे में इंग्लिश में तीन प्रकार के पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसके सिंगुलर में आई यानी मैं आता है और प्लूरल में वी यानी हम लोग आता है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में आता है यू यानी तुम और प्लुरल में आते हैं यू तुम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम यू का इस्तेमाल करते हैं थर्ड में देखिए थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही शी इट या किसी का नाम और प्लूरल में आते हैं दे अब देखिए इसमें करते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स इसमें आपको इज़ एम और आर का यूज़ करना है फर्स्ट देखिए ही इज़ इनसाइड द हाउस वह घर के अंदर है सेकंड आई एम गुड एट हिंदी मुझे हिंदी अच्छे से आती है थर्ड प्रीति इज अ गर्ल प्रीति एक लड़की है फोर्थ दे आर रनिंग वे सब दौड़ रहे हैं फिफ्थ यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं वी आर गोइंग टू अ वेडिंग हम शादी में जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी यू दे आई यहाँ पर देखिए आई दे रखा है आई का मतलब होता है मैं यू का मतलब तू या तुम दे का मतलब वे वी का मतलब हम सब इट का मतलब यह ही का मतलब वह और शी का मतलब वह लड़की देखिए फर्स्ट दिस इज मुस्कान She is happy. यह मुस्कान है वह खुश है दीज आर कविता सचिन एंड मधु यह कविता सचिन और मधु हैं दे आर गोइंग टू स्कूल वे स्कूल जा रहे हैं दिस इज़ दर्श यह दर्श है ही इज डांसिंग यह डांस कर रहा है दिस इज़ मी यह मैं हूँ आई लव गोइंग टू स्कूल मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है राहुल टोल्ड त्रिशा ही कैन डू द वर्क नाउ राहुल ने त्रिशा से कहा कि वह अब काम कर सकता है मीट प्रतीक एंड सुमित प्रतीक और सुमित से मिलो दे आर गुड फ्रेंड्स वे अच्छे दोस्त हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए यूज गिवन लेटर्स टू मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स अब यहाँ पर आपको कुछ रैंडम वर्ड्स दे रखे हैं जंबल्ड वर्ड्स हैं आपको इनको मिला करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं जैसे पहले में हमने एक वर्ड बना लिया कार्ड दो वर्ड हम और बनाते हैं डार्क अंधेरा और कार दूसरे में देखिए एक वर्ड बनाया है पिट पिट का मतलब होता है गड्ढा और दो शब्द बनेंगे हिट यानी मारना सिट यानी बैठना इसमें देखिए एक वर्ड बना लिम्ब यानी हाथ या पैर और दो शब्द बनाते हैं लायन शेर बिन फिर देखिए एक वर्ड बनाया सेट दो वर्ड्स और बनेंगे सेट और गेट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स अब क्वेश्चन नंबर फोर में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं पहला वाक्य बनाते हैं हम ट्री वर्ड से ट्री का मतलब होता है पेड़ हम सेंटेंस बनाते हैं ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन ट्री यानी पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं दूसरा वर्ड है शॉप यानी दुकान देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस मेरे घर के पास में एक दुकान है हैंड का मतलब होता है हाथ हम सेंटेंस बनाएंगे वी हैव टू हैंड्स हमारे दो हाथ होते हैं कोल्ड कोल्ड का मतलब होता है ठंडा सेंटेंस बनाते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे आज बहुत ठंड है गोट गोट का मतलब होता है बकरी सेंटेंस बनाते हैं गोट ईट्स ग्रास बकरी घास खाती है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए डिस्क्राइब द एनिमल हिंट्स आर गिवन फॉर राइटिंग अब यहाँ पर एक आपको एनिमल का चित्र दे रखा है ये एनिमल है कैमल आपको इन हिंट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है देखिए इट इज़ अ कैमल यह कैमल है, है यह ऊंट है इट हैज़ वन हम्प ऑन इट्स बैक इसके पीठ पर एक कुबड़ है हम्प कहते हैं इसको ये जो उभार निकला होता है ऊंट की पीठ पर इट इज़ ब्राउन इन कलर यह भूरे रंग का होता है इट हैज़ लॉन्ग लेग्स इसके पैर लंबे होते हैं इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग नेक इसकी गर्दन भी लंबी होती है इट ईट्स ग्रास यह घास खाता है इट लिव्स इन डेजर्ट यह रेगिस्तान में रहता है इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज यह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है इट इज़ कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए प्रैक्टिस अब यहाँ पर आपको पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस आपको इन ब्लैंक्स के पेस में करेक्ट प्रोनाउन भरना है बच्चों प्रोनाउन हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम और प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं चलिए करते हैं माई नेम इज सैम मेरा नाम सैम है अब यहाँ पर माई आ गया है तो इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे हम आई का आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड मैं छः साल का हूँ आई हैव अ ब्रदर मेरे एक भाई है ही इज़ टेन ईयर्स ओल्ड वह दस साल का है आई ऑल्सो हैव अ सिस्टर मेरी बहन भी है शी इज थ्री ईयर्स ओल्ड वह तीन साल की है माई फादर इज़ थर्टी ईयर्स ओल्ड मेरे पिताजी तीस साल के हैं ही गोज टू ऑफिस वे ऑफिस जाते हैं माई मदर वर्कस एट होम मेरी माता घर पर ही रहकर काम करती है शी टेक्स केयर ऑफ़ अस वह हम सबका ध्यान रखती हैं माई मदर फादर आर वेरी नाइस माई फादर एंड मदर आर वेरी नाइस मतलब मेरे माता और पिता बहुत प्यारे हैं दे लव अस वेरी मच वे हमसे बहुत प्यार करते हैं टीना एंड रॉबिन आर माई फ्रेंड्स टीना और रॉबिन मेरे दोस्त हैं वी लाइक टू play टुगेदर हम एक साथ खेलते हैं बच्चों यहाँ हमारी इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है और सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें थैंक यू